सुराख भी कर देते हैं कपड़े पे, तो उस पर हम जो है टेप वगैरह करके इसको प्रोटेक्ट कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे पाकिस्तान को, आज़ादी मुबारक हो। अच्छा, ये फ्लैग तो अपने पास पड़ा हुआ है, अब ये चेक करना पड़ेगा कि ये गाड़ी के बोनेट का ही है या फिर बाहर आउटडोर हैंग करने वाला है। इसका साइज़ का ये मसला है, तो ये चेक कर लेंगे। उससे पहले जो है हमें अपने दो तीन काम निपटा के आना है। अभी इस वीडियो में देखो फ्लैग लगाएंगे हम अपनी गाड़ी में, ठीक है, फ्रंट के बोनेट पर इसको प्लेस करेंगे। और इसी वीडियो में हम जो है अनबॉक्सिंग करेंगे दो एक कैंपिंग के गैजेट्स हैं, ठीक है, एक आ टायर रिपेयरिंग से रिलेटेड इसमें जो है कोई गैजेट आइटम होगा। तो भाई हम पहुंच आए हैं, किधर गया ये लाइट, आ गया, देखते हैं कोई डिस्काउंट अगर चल रहा है तो उधर से कुछ ले लेंगे फ्लेवर। ये वाला फ्लेवर वाटरमेलन स्ट्रॉबेरी कीवी आइस 35 mg। तो दोस्तों सीन ये है कि फ्लेवर तो मैंने ले लिया है वेप का, लेकिन उस पर अभी आजकल कोई आज़ादी डील वगैरह नहीं चल रही, तो अभी खैर चलते हैं एक और काम निपटाते हैं। और फिर यार फ्लैग भी तो लगाना है घर जाके जल्दी से। और ये फ्लेवर जो है ना वेप का मुझे 2500 का पड़ा है 30 ml। और किसी को मैं खैर रिकमेंड तो नहीं करूँगा वेपिंग वगैरह करना, क्योंकि दे ऑल आर इंजरियस टू हेल्थ। खैर इंशाल्लाह ये भी छोड़ देंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। और अभी देखो बदर की गलियों में मैं फंस गया हूँ, बस यही डिज़ास्टर है जो कमर्शियल एरिया हमारे DHA वालों ने बनाया है। इतने पैथेटिक हैं, जैसे लगता है किसी कॉलोनी में बंदा जो है ट्रैवल कर रहा है। मेरे व्लॉग में आपको ये DHA के कराची के थके हुए रोड ही मिलेंगे आपको। इम्तियाज़ से हमने शॉपिंग कर ली है, दो तीन चीज़ें ही लेनी थी छोटी छोटी, लेकिन देखो हमें टाइम बहुत कम लगता है, हार्डली कितने 15 मिनट्स लगे होंगे मेन शॉपिंग। यार ये जो 80 सीरीज़ है ना लैंड क्रूज़र है तो मज़े की, लेकिन 4200 या 4500 cc है, तो पेट्रोल कहाँ से डालेंगे? सस्ती मिल भी जाएगी तो पेट्रोल कहाँ से डालेंगे? और इतना ज़्यादा ही अगर पेट्रोल डालना हो तो बंदा कोई नए मॉडल की ना ले ले। तो गाइस अभी हम आ गए हैं सी साइड पे और बस हार्डली पहुंच जाएंगे। पहले मैं सोच रहा हूँ कि यार एक डोरी ले लें, पतली रस्सी वगैरह तो मेरे पास पड़ी है उससे भी बांध सकते हैं, लेकिन एक डोरी ले लेते हैं जो कि आई थिंक प्लास्टिक टाइप के मटेरियल्स में आती है, और उसकी मदद से ये फ्लैग अगर फिट आ जाते हैं अपने बोनेट पे तो इसको लगा देंगे हम। यार अभी देख लेते हैं इधर अगर शॉप से हमें मिल जाए डोरी तो वेल एंड गुड, हमें कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, नहीं तो घर में यार रस्सियाँ स्ट्रैप्स वगैरह तो बेशुमार पड़े हुए हैं। ये भाई बैठे हैं हमारे, ये भाई बैठे हैं और हमारा काम आसान करेंगे, झंडा कोशिश कर रहे हैं मेरा भाई कि आसानी में आ जाए। इंडिपेंडेंस डे मुबारक आपको, सही है, एडवांस में। यार ये डोरी भाई ने दे दी हमें। अच्छा यार ये कितनी अपना कितने की है ये? नहीं नहीं ये बता यार, ये आपकी मोहब्बत है लेकिन कितने की है ये बताएं? जल्दी जल्दी बताएं, आसरा नहीं करे। फाइनली घर आ गए हम, सबसे पहले हम अपनी ये डोरी और फ्लैग निकाल लेते हैं। और डोरी तो हमें मिल गई और ये फ्लैग है, और उससे पहले ये चीज़ों की जो है अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ये वाला बैग आप लोगों ने मेरा देखा हुआ जो कि मैंने कैंपिंग एक्सेसरीज के लिए तैयार किया है, और एक इसमें प्रोडक्ट ये है कैराबाइनर मैग्नेट है, ठीक है, तीन पीस है, एक पीस के उसमें भी आता है ये प्रोडक्ट। और सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ, देखिए, और ये अच्छा है मैग्नेट, और ये तीन मुझे सेट जो है 900 समथिंग पाकिस्तानी करेंसी में पड़ा है, और ये दोनों साइड पे इसके मैग्नेट है, ठीक है। और ये मैं आपको ऐसे दिखा देते हैं, ये देखें स्टिक, आप अपने कोई भी रेलिंग वगैरह कर्टन और किसी भी किस्म की कैंपिंग लाइट्स वगैरह टेंट में या टार्फ वगैरह में हैंग कर सकते हैं ऊपर से ये मैग्नेट प्लेस करके, ठीक है। तो ये तीन सेट हैं, ये काफ़ी यूज़फुल चीज़ है, आगे कैंपिंग में काम आएगी जब कभी हमने की तो। इसके अलावा इस वाले में मेरे ख्याल से टायर रिपेयर से रिलेटेड ग्लू होगी, हाँ ये चार पीस का है। ओहो
इसमें तो एक थोड़ा लीक हुई हुई है, और ये रबर सॉल्यूशन है ये 400 या 500 का मुझे पड़ा है, और एक तो इसमें से लीक हुई हुई है, लेकिन ये भी काम आएगी। अब इसकी क्वालिटी तो यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा, चाइनीज़ प्रोडक्ट है ये। और इसमें एक बड़े मज़े की काम की चीज़ होगी, हाँ, ये टायर से रिलेटेड ही, जो उसके ग्लू स्टिक्स जो होती हैं टायर की रिपेयर की हुई हैं। और इसके अलावा ये बड़े छोटे साइज़ के वाइट सी के विंड फास्टनर कह सकते हैं आप, ये टेंट वगैरह जब आप लोग डिप्लॉय करेंगे तो आप लोग इसमें रोप डाल के इसको खींच सकते हैं। ये वाइट सी ब्रांड के हैं, लेकिन देखें एम्बोज हुआ हुआ है छोटा सा, और इसको हम अपने इस वाले बैग में रख लेंगे। बोनेट को हुड को साफ कर लेंगे, वैसे तो ये कल ही वॉश हुई थी गाड़ी, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा कपड़ा मार लेंगे, क्योंकि फ्लैग लगाने के बाद इसके बोनेट की सफाई नहीं की जा सकती। तीन चीज़ें हमें चाहिए होंगी, एक तो फ्लैग, और ये रोप या किसी भी किस्म की पतली सी डोरी, गोरेला टेप जिसको बाइंडिंग टेप भी कहते हैं, और ये पेयर ऑफ सीजर। सबसे पहले फ्लैग देख लेते हैं हम कि ये इसी का ही है, हाँ मुझे तो लग रहा है, और ये राइट साइड पर ये ऐसे जाएगा, डोरी से हम बांधेंगे इसकी एक साइड, दो ऊपर की साइडें बांध लेते हैं डोरी से, बांधते हैं। और इसके जो एजेस है ना बोनेट के, तो ये सुराख भी कर देते हैं कपड़े पे, तो उस पर हम जो है टेप वगैरह करके इसको प्रोटेक्ट कर लेंगे, और इस वाली साइड को आपस में हम बांध देंगे स्ट्रेच करके इस तरह। एक नॉट हम इधर बांध देंगे इसके एंड पे, देख लेंगे हमें इतना चाहिए, ठीक है। और एक हम इसको भी इधर से टाई करेंगे, लेकिन वो बात की बात है, साइड्स वगैरह हम देख लेंगे कि छोटा ना पड़े कहीं से। ये वाली हमने साइड बांध दी, अब इसको हम जो है इतना लंबा लेके जाएंगे कि इस वाले को इधर से जो है हम बांध दें, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, ठीक है। एक तो हम इसको इधर से ले आएंगे, ठीक है, सही। और इसको बाद में हम थोड़ा सा टाइट करते हैं, फिलहाल जो इधर से है ना, इधर से हम इसको कर लेते हैं, बांध देते हैं। टेप हम कैसे लगाएंगे, ये देखें ऐसे टेप लगाई हमने, मोटी वाली टेप, देखेंगे कौन सी साइड इधर जाके इधर स्टक होगी, तो उसके अंदर ऐसे लगा देंगे और इसको ऐसे रख देंगे ताकि कपड़े को ना फाड़े। ये दूसरी साइड पे भी लगा देंगे। अभी अगर बात कर ली जाए लूजिंग हो रही है इस साइड पे, तो इसके अंदर या तो टेपिंग कर लेते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, एक तो इधर से मैंने टाई किया, एक नीचे से ऊपर और नीचे, और राइट लेफ्ट ऊपर वाली साइड्स, और इसके जो एजेस हैं उनको भी मैंने खींच के टाई किया, और बाकी जो लूज जगह थी उस पर मैंने टेपिंग वगैरह करके इसको फिलहाल लगा दिया। और अगर इसकी अभी अगर और सेटिंग की बात की जाए, उसको हम दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा खींच लेंगे। पाकिस्तान का फ्लैग हम लोगों ने अपनी गाड़ी के हुड पे लगा लिया है, और इसकी जो थोड़ी बहुत जो है रिंकल्स आ रहे हैं, और आप लोग उसको थोड़ा सा खींच वेंच के एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें जो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है ना, आप लोग वाइपर का जो वॉशर वाला सिस्टम है वो यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो फ्लैग के अंडर जो है हाइड हो गया है। तो खैर आप लोगों को अभी फाइनल लुक दिखाते हैं। तो आप सभी लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। वीडियो पसंद आई, कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो AKG नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नए अमेजिंग टॉपिक के साथ, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।